बुशरा एंड इमरान भाई, आपकी जिंदगी का एक रिग्रेट, पछतावा कुछ होगा वो बता दो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का फर्स्ट क्लास हूँ। और जो मुझे अभी नया फोन मिला है माशाल्लाह गिफ्ट में, तो मैं सबसे पहला क्लिप अभी जो ले रहा हूँ वही सबसे पहला क्लिप है। पुराना फोन बेच दिया और ये नया आया माशाल्लाह मून ने गिफ्ट की, अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात, आज जैसे कि मेरा बर्थडे है रात में, तो जिसका बर्थडे रहता है उन लोग व्लॉग नहीं बना सकते क्योंकि दूसरों को मौका फिर मिलेगा। सो मेरे पास, मैं सोचा अभी मैं क्या बनाऊँ, तो मेरे पास जो मैंने भी बुशरा और इमरान भाई को सवाल किया हूँ, रिग्रेट ऑफ देयर लाइफ, रिग्रेट मतलब पछतावा, आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ पछतावा हुआ होगा तो वो क्या है, तो ये मैं बहुत टाइम से सबसे पूछ के क्लिप्स जमा करके व्लॉग रेडी किया था। तो मैं सोचा चलो मैं दूसरा तो कुछ बना नहीं सकता हूँ, आज ये बना देता हूँ। तो आज सबसे पूछते हैं उनकी ज़िंदगी में क्या उनको पछतावा है, और मज़ा आएगा सबके सवाल सुन के, सबके जवाब सुन के आपको। मेरा रिग्रेट कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने बचपन से सीखा है एक ही चीज़, और एक चीज़ नोटिस किया है कि आपकी लाइफ में जो भी होता है एक लेसन होता है, और उस मतलब रिग्रेट करके कुछ मतलब नहीं होता, वो सब आपकी लाइफ में नसीब में लिखा हुआ होता है, उसी से आप सीखते हो। तो मैं तो बोलूँगी मुझे तो सीखने मिला है, हाँ बस एक रिग्रेट है। क्या? बहुत फनी सा है कि जब मैं अपना वेट गेन कर रही थी तो मैंने मां क्यों नहीं रोका। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लाइफ में मेरा कोई रिग्रेट नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मुझे बस यही फील होता है कि जो भी है एक लेसन है, आप उससे सीखो, ऐसा नहीं कि वही वापस रिपीट करो, उससे आप सीखो। ओके, थैंक यू सो मच। मेरे लाइफ का जैसे बहुत रिग्रेट है, बट एक रिग्रेट ये है कि सकलेन मेरा भाई है, सकलेन में वो जिम नहीं लेके जाता है। अभी जा तो रहे हैं, बैग वैग सब पैक हो गया है, लेके जा रहा है अभी भाई। अच्छा तुम्हारा एक ऐसा था कि सकलेन लेके जाए तुमको रोज साथ में, लेकिन वो नहीं लेके जाता है, इस बात का तुम्हें पछतावा है। चलो क्या है फिर? मेरा लाइफ का रिग्रेट ये है कि मैं मम्मी को कभी कभी, एक सेकंड गाइस, मैं बोलने नहीं दे रही हूं, सपना भी बोल देती तभी मैं अपना बात। अंशरा का रिग्रेट एक मिनट का हो गया है। मेरी लाइफ का रिग्रेट ये है कि मैं मेरे को मम्मी नहीं दे रही। अरे गाइस मैं बोलूं, बोलना, मैं इसको बोल रही हूँ, जल्दी जल्दी ईशा हो जाएगी। मेरी लाइफ का रिग्रेट ये है कि मेरे को मेरी मम्मी है ना ऐसी कुछ बातें बता देते हैं जो मैं सुनती नहीं हूँ, तो फिर बाद में मैं रिग्रेट करती हूँ कि यार काश मैं मम्मी की वो सब बातें सुन ले। हाँ, मतलब कुछ ऐसी एडवाइस उनने दिए तुमने नहीं सुना और उस वजह से तुमको बाद में पछतावा हुआ है। तो आज से तुम क्या करोगे? मम्मी की एडवाइस सुनोगे? एडवाइस, यस, वेरी नाइस। सुन ले मामी, हैप्पी सुनेंगी तो मैं बोलूंगी हाँ ब्लॉग में कैंसर आने की सकलेन रिग्रेट ऑफ योर लाइफ, कुछ पछतावा आपको आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ है? लोगों सोच रहा है कुछ तो मुझे पता है कुछ तो है लाइफ में, तो ऐसी कोई चीज है नहीं कि जिसके लिए मैं रिग्रेट करूं। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब कि जो भी चीज थी, जो भी चीज हुई, अल्लाह का शुक्र है, बस सब सही थी माशाल्लाह। चलो चीज की सीख है, हर चीज का एक्सपीरियंस है, बस कोई चीज का रिग्रेट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे भी इंशाल्लाह ना हो कभी। तालियां भाई, गहरी बात कह दिया सकलेन ने। बान, इट्स योर टर्न नाउ, कुछ पछतावा आपकी लाइफ का? वालेकुम अस्सलाम। मेरी लाइफ का पछतावा ये है कि मैंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की। वजह उसकी वजह ये थी कि मैंने लव मैरिज हुई है। ओ ला ला ला, तो मेरे ला, ला। ये तो, हाँ मेरे एक मैसेज है आप लोग से कि आप लोग हाँ लव ठीक है हो जाए, प्यार करो साथ में, अरमान भी अपने जो है वो कंटिन्यू करना। सलमान खान की वजह से हुआ था एक्चुअली, खान की पिक्चर देखी थी ना मैंने प्यार किया तो खालू आपको लगते थे सलमान खान, क्या बात है। हाँ, यही था सलमान खान की वजह से मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी तो अभी मतलब मैंने पूरी की है, बट आगे की कॉलेज लाइफ वगैरह मेरी नहीं हुई। तो चलो कोई बात नहीं, अल्लाह जो करता है बेहतरी के लिए करता है। माशाल्लाह, पछतावा तो नहीं है, बट इतना है कि
जिंदगी में अल्लाह ताला ने हमको सब कुछ दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मतलब अगर देखा जाए तो जैसे अल्लाह ने हाथ पैर आंखें जबान कान हर चीज सही सलामत दी, तो अल्लाह की चीज पे पछतावा नहीं होना चाहिए। ओके माशाल्लाह। हाँ, अल्लाह की चीज पे पछतावा नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं, अल्लाह का तो अल्लाह का भी हो सके, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हाँ, लाइफ में ऐसी कुछ ऐसे डिसीजन या कुछ चीज चली गई आ गई उस वजह से कुछ, मैं बोलने जा रही हूँ उसको कॉमिक में लेना कि मैंने शादी करके पछतावा, शादी के लिए हाँ जब साइन कर जब हाँ बोल के मामा मामा के मामा का बहुत बड़ा पछतावा आज तक, हाँ क्यों बोले और साइन क्यों करी डैडी, आज तक मैं बोलती हूँ। गलती नहीं है, वो गलती हो गई, लेकिन इसके बाद सुधर गई, मेरे दो बच्चे हो गए ना, तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मामा, मेरे बच्चे अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह मामा। करके पछतावा पूछने से पहले ही बोल दिए मामी, हाय करो, पछतावा मामा बैठा हुआ सामने, मामी का भी यही जवाब था, पछतावा सामने बैठा हुआ मेरे, मामा कहना चाहते कि उनका पछतावा इधर है, बड़ा बैठे ऐसा बोल रहा है। इसी बारे में नानी का भी पूछ लो, नानी आपका कोई एक पछतावा बताओ, पछतावा जिंदगी का कुछ ऐसा, कुछ नाना का कुछ ऐसा टाइम और स्पेंड करना चाहते थे, कहीं जाना चाहते थे, हो नहीं सब जाके घूम फिर के सब आ गए, नाना गए वो पछतावा नानी को है लाइफ से, क्योंकि नाना जो थे ना तो नानी को कोई चीज की कमी नहीं की, माशाल्लाह। उनको चिकन फ्राई खाते थे नाना, दूसरे दिन लेके जाते ही थे, लेके जाते, कभी कोई चीज की कमी नहीं की, कभी खाने पीने में कभी नहीं, मतलब घुमाने में भी नहीं, घुमाना टैक्सी चलाते थे, तुम तुम्हारी मर्जी से जियो, किधर जाना किधर आना, कोई रोक नहीं, कहाँ जा रही है वो भी कुछ नहीं, क्या खाना मेरे को ये खाने के तो लेके जाना ही जाना है, और नानी रूटे तो नाना को बनाना ही मनाना, मतलब हाँ, 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 आपको सबसे ये बड़ा पछतावा है, वो गए तो ये पछतावा है, नाना गए वो पछतावा है, मुझे भी बहुत है इतनी जल्दी चले गए। हम लोग भी है ना, ऐसा होता था ना कि कुछ चीज घर में राशन भरना होती थी ना, तो जैसा तो हम लोग को बोलते थे, हम लोग हमारी बात कर रहे थे, हमको राशन भरना है, तो बस हम लोग को दूसरे दिन लेके चले जाते थे फज्जो भी सेम ऐसी है, पर्दाना सेम ऐसी, अब्बा दीदी और ये सेम एक जैसे, घुमाने में नहीं, शक्ल में शक्ल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम है अफशा। इसका नाम है अफशा शेख, दी ब्लॉगर। नहीं, नाम तो सुना होगा। अच्छा, मेरे लाइफ का एक रिग्रेट है जो मैं शेयर करूंगी आपसे, वो ये है कि कुछ सालों पहले मैंने इंडिगो का इंटरव्यू दिया था, कैबिन क्रू का, और मैं सिलेक्ट हो गई थी वो टाइम पे, बट सिचुएशन ऐसी थी कि वो टाइम पे कुछ निर्भया, दिल्ली निर्भया का इशू चल रहा था, केस हुआ था, और कुछ दिल्ली में भी प्रॉब्लम चल रही थी, और मुझे दिल्ली बेस मिला था वो टाइम पे, मेरी मम्मी ने मना कर दिया, और मैं आज तक फिर कैबिन क्रू नहीं बन पाई उसके बाद, वो पछतावा, वो मेरा पछतावा। लेकिन मना किए थे कुछ वजह, वो रीजन ऑफ कोर्स मां जाने, ये ही ना जो सब चल रहा था, अगर चल रहा था तो एक माँ को तो फिक्र है, सही बात है, अच्छा ये पॉजिटिव चीज सोचने का, हां बट वो था, और अभी कैसा वो एज क्रॉस हो गई है ना, तो लिमिट होती है, मतलब अच्छा 40 इयर्स की हो चुकी है, नहीं रहेगा 20 साल बड़ी है हम लोग से, चार बच्चे भी है इंशाल्लाह, नहीं मतलब वो जो कोई कोई क्रॉस में ना उतनी एज लिमिट अभी, मतलब क्राइटेरिया उतना ही है ट्रेनिंग वगैरह के लिए, बस और कुछ नहीं, बड़ा रिग्रेट है आपसे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ खालू, एक आपका कुछ ऐसा जिंदगी में आपको पछतावा और मतलब आज तक पछतावा हो रहा है कोई ऐसी चीज, रिग्रेट, एक रिग्रेट लाइफ का। देखो जिंदगी में पछतावा ये चीज का है कि मैं जो सोचा था वो हुआ नहीं। थोड़ा खुल के बताओ क्या सोचा था और क्या हुआ नहीं। खालू कम ऑन जल्दी, बान बेलन लेके खड़े हुए हैं बाजू में, वहां से फेंके गए।
मेरा जो ख्वाहिश थी वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, मेरे को एक चीज का पछतावा है। तो कौन सी ख्वाहिश? ख्वाहिश क्या है वो ही जानना है। वो ही जानना है खालू। अब आप थंबनेल पे आएगा, बताओ खालू की ख्वाहिश क्या थी। बोलिए खालू की ख्वाहिश नहीं, लेकिन हम लोग को जानना है खालू, ऐसा क्या था जो आप सोचे वो हुआ नहीं? हाँ क्या सोचे जब तुमने? अरे इतना क्यों बोल दो, बान कुछ नहीं बान कुछ बोल रहे क्या? क्या सपना था और वो चीज तुम्हारी ख्वाहिश पूरी? बोलो बोलो बोलो, वो एक चीज लग जावे वो हो जावे। क्या इतना मतलब क्या है? वही ख्वाहिश है। क्या है इनको? इनकी ख्वाहिश थी कि मैं मतलब कहाँ जा रहे खालू, इनकी ख्वाहिश ये थी। अभी कैसे बोलेंगे, वो है एक समझ लो उनका, तो जैसे वो लग जावे ना वो चीजें, तो मैं खुल के कोई नहीं बता रहा। चलो ठीक है कोई बात नहीं खालू, ख्वाहिश क्या थी जो नहीं हो पा रही है वो आप लोग गैस करो। जो वो चाहते थे वो ऐसा हुआ नहीं। ऐसा क्या था भाई? जिस दिन हो जाएगा उस दिन बता देंगे। ठीक है ठीक है, जिस दिन हो जाएगा तो बताएंगे ये ख्वाहिश। ओके शुक्रिया। कुछ ऐसी आपकी लाइफ में आपको पछतावा हो रहा है आज तक, कुछ मिस कर दिए या कुछ ऐसा रह गया? नानी तेरे लिए सोच रहे ज्यादा। पछतावा ये है नानी के कॉलेज कंप्लीट कर लेना चाहिए था, और के कॉलेज कंप्लीट कर देना चाहिए था, और कॉलेज कंप्लीट कर देने के बाद आईटा जो किया था उसको मेंटेन रखना चाहिए था, तो कुछ ना, बट कोविड आ गया था तो मतलब आगे वो कंटिन्यू नहीं हो पाया। सो ये आप लोगों के लिए एक लेसन है कि जो अभी कॉलेज और स्कूल में है तो पढ़ाई कंप्लीट कर, मतलब ये टाइम लगेगा, छोड़ दिए उनको आज पछतावा हो रहा है। और हाँ मतलब वो टाइम ऐसा लगेगा अरे क्या पढ़ाई ये वो, लेकिन वो जब नहीं होती है ना कंप्लीट उसके बाद उसका रिग्रेट होता है, जब टाइम निकल जाता है। सर्टिफिकेट लेके साइड में, हाँ एजुकेशन बहुत जरूरी है, कंपलसरी आज की जनरेशन में एजुकेशन बहुत जरूरी है। सही बोल रहे, दीन और दुनिया दोनों की नॉलेज। सही बात है। कैसे हो मैम? वालेकुम अस्सलाम। ओके सो आपकी लाइफ का कुछ रिग्रेट है? मुझे ऐसे सॉरी बात से क्या बोल रहा, कुछ अपनी लाइफ का पछतावा ऐसा कुछ? मेरी लाइफ का एक कोई रिग्रेट? हाँ देखो ऐसे तो हमने बहुत सारी चीजें की जो हमको नहीं करनी चाहिए थी, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं करते तो हम कुछ सीख नहीं पाते लाइफ में। तो आई फील जो हुआ वो हुआ अच्छे के लिए हुआ, बोलते हैं ना ऊपर वाला बोलते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इज द बेस्ट। आई हैव ऑब्वियसली वी ऑल हैव रिग्रेट्स, बट मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि उससे मुझे काफी चीजें सीखने मिली। एंड एज अ पर्सन हम ऑब्वियसली चाहते हैं कि ग्रो करे, और चाहते हैं कि हमारी बहन हमारे लेफ्ट साइड से ऐसे घूर घूर के देखे मुझे। तो मेरी लाइफ में है रिग्रेट्स, बट मैं बोलूंगी अच्छा ही हुआ। लेकिन क्या है वो? काफी चीजें ऐसे तो एक आपको शेयर करना पड़ेगा। मेरी लाइफ में एक रिग्रेट, अनफॉर्चुनेटली मेरी बहन मुंजरीन थी टू बाद में, हाँ वो भी है, आई वाज अ मिस्टेक। द आखिरी क्वेश्चन ऑफ ऐसे एक रिग्रेट, आंसर आई रुक में यहाँ पे उसको बुला के मैंने रिग्रेट किया। नहीं नहीं ऐसे कुछ, शी इज अ स्वीट हार्ट, शी हेल्प्स मी बहुत, मारी फिकर करती ऑफिस जाएगी तूने कुछ खाया, मैं ऑर्डर करूं इडली का ऑर्डर कर देगी। आंसर आ गया इस बार। बट शेजी तुम ऐसे बोल रहे हो तो मेरे पास बहुत सारे रिग्रेट्स हैं। एक रिग्रेट कुछ पछतावा, एक रिग्रेट है जो मतलब मेरे हाथ में मौका था किसी को हेल्प करने का, कोई अलग वे में हेल्प करने का, ऐसे नहीं कि पैसे देके ऐसे, बट इमोशनली किसी के साथ रहने का, तो मैं थी नहीं शायद किसी के लिए का। हाँ तो मे बी आई थिंक आई रिग्रेट नॉट बीइंग देयर फॉर दैट पर्सन, बट अब हो गए उसको साल तो फिर हो गई वो पुरानी, हो गई वो पुरानी, लेकिन वो है कि काश मैं उस वक्त रहती तो मैं कुछ शायद चीजें ठीक करती। चलो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट मौका ऐसा कुछ अल्लाह ना करे आए, आ गया तो आ भी गया तो मैंने उसको हैंडल कर लिया तो मेरी लाइफ का रिग्रेट। वैसे मैंने एक चीज सीखा हूँ लाइफ में कि आप कुछ भी कर लो जी, कोई भी चीज रिग्रेट मत करो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। एज अ लेसन ले लो, एज अ लेसन गुड और बैड ले लो, क्योंकि आप लाइफ में सीखने ही आए हो। एग्जैक्टली, तो कोई भी चीज आप करते हो वो गलत होगी ही होगी, सही बोला, फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ वो सही थी या गलत थी या जो भी थी। बट आई फील
आपके मीन्स आपको कभी रिग्रेट करना ही नहीं, नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे हमेशा से ऐसा लगा है कि आप सीखो और शुक्रिया। ये थी लोगों की अपनी अपनी कहानियां, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ था, आपकी लाइफ में क्या था ये आप लोग प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा। और आप लोग सोच रहे हैं कि मेरी जिंदगी में भी कुछ रहेगा, मैं भी शेयर कर लेता हूँ। मैं बहुत साल पहले, 10 साल पहले की बात होगी, मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपने मुंबई का जो है मैं वहाँ पे जॉब करता था, तो वो इतनी अच्छी जॉब थी, आज मुझे रियलाइज हो रहा है, उस टाइम पे रियलाइज नहीं होता था। हफ्ते में सिर्फ 3-4 दिन जाना है, मंडे टू थर्सडे नाइट ड्यूटी, 10 बजे का कुछ रात की ड्यूटी थी सुबह 5 बजे तक, और हफ्ते में सिर्फ 4 दिन, और इतना अच्छा काम था, हमेशा सेलिब्रिटी दिखते रहते थे, आईफा का कोई आईफा अवार्ड जैसे चलते उसका कोई प्लेन आता था तो पूरे सेलिब्रिटी, मतलब बहुत इंजॉय करता था। उस टाइम पे कदर नहीं थी, आज हो रही है, वो मैंने अपनी मस्ती से खुद छोड़ा था, क्योंकि ऐसा था कि मम्मी अब रात की नींद नहीं, मेरे को रात की नींद चाहिए, वहाँ पे रात की नींद नहीं मिलती थी क्योंकि नाइट ड्यूटी रहती थी, लेकिन बहुत मज़ा आता था, आज रियलाइज़ हो रहा है, लेकिन रात की नींद भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। चलो खैर, मज़ा आया, आपका रिग्रेट आपका पछतावा क्या है ज़रूर बताइए, और अभी बर्थडे है रात में तो फटाफट रेडी वगैरह हो जाते हैं, क्या सरप्राइज़ है मैं अनजान हूँ एकदम, देखते हैं। चलो आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और हाँ देखोगे तो तीनों अलग अलग व्लॉग बना रहे हैं, मम्मी मून और बुशरा, तो सबके उसमें आपको अलग दिखेगा। ओके, सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अल्लाह हाफिज़।